नमो नमः बहुत प्यारे विद्यार्थियों, आर के साइंस क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बात करते हैं कि जो दसवीं क्लास के अभी हमारे एग्जाम चल रहे हैं, उन एग्जाम पे बच्चे किस प्रकार लिख कर के 100 में से 100 अंक प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात 80 नंबर का जो हमारा पेपर होता है, इस 80 नंबर के पेपर में हम किस प्रकार 80 में से 80 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, ये है सन 2022 का संस्कृत का पेपर जो शुक्रवार को हुआ था, 22/4/2022 को। इस पेपर की इस कॉपी को देख करके आप आराम से आने वाला जो संस्कृत का अपना बोर्ड पेपर है उसमें आराम से 80 में से 80 अंक प्राप्त कर सकते हो। तो देखते हैं कल लिखने की शैली हमारी किस प्रकार की होनी चाहिए जिससे हम 80 में से 80 अंक प्राप्त कर सके। ये आप लोगों की बोर्ड की कॉपी है, इसी प्रकार से आती हैं। ये पहला पेज आ चुका है कॉपी का। जिस बच्चे ने भी जैसा लिखा है उसको किस प्रकार 100 में से 100 अंक प्राप्त हुए हैं, 80 में से 80 नंबर आए हैं, उसको देखते हैं हम। ये मेरे पास 2022 का पेपर है संस्कृत का और ये कॉपी है कि इस बच्चे ने किस प्रकार सही प्रकार से देकर के प्रश्नों के उत्तर देकर के किस प्रकार 80 में से 80 अंक प्राप्त किए हैं उसको देखते हैं हम। तो देखिए, सबसे पहले तो इसमें जो 12 प्रश्न आए वो वस्तुनिष्ठ आए। वस्तुनिष्ठ मतलब अवसर देखिए प्रश्न आए 12 प्रश्न, और इन 12 प्रश्नों के उत्तर बच्चे ने किस प्रकार से दिए हैं। पहला प्रश्न था अनिशम कालाय चक्रम कुत्र प्रचलित है, हमारी संस्कृत की पुस्तक से है। अनिशम कालाय चक्रम कुत्र प्रचलित है। इसमें सब ऑप्शन राइट और सब ऑप्शन के साथ दे रखा है, महानगर मध्य। आप लोगों को ऑप्शन के साथ जो ऑप्शन में अंदर वो दे रखा है वो भी साथ में लिखना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न था सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती, हमेशा सभी कार्यों में कौन बलवान होती है, तो इसका उत्तर आएगा बुद्धि। ऑप्शन राइट है, ब के साथ बुद्धि लिखना पड़ेगा। इस प्रकार आपको सभी प्रश्नों के जो ऑप्शन दे रखे हैं ऑप्शन के साथ में वो भी लिखना पड़ेगा जिससे आप सही तरह प्रकार से नंबर प्राप्त कर सके। इस प्रकार से कॉपी चेक की जाती है और एक एक करके इस प्रकार 12 प्रश्न है, 12 के 12 प्रश्न किस प्रकार से आपके सही होने चाहिए इस प्रकार आपको उत्तर देने हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है सर्वदा सूची पर्यावरणम इति पाठ कस्मात् ग्रंथात् संकलित, सूची पर्यावरण वाला जो पाठ है वो कौन से ग्रंथ से लिया गया है, तो उसमें लसत लती का। अगला प्रश्न है बाल भवात हिमकर मस्तिष्क क विराजते, बाल भाव के कारण हिमकर किसके मस्तिष्क पर विराजमान होता है, हिमकर बाल भवात शिव से मस्तिष्क का विराजते, बाल भाव के कारण शिव के मस्तिष्क पर कौन विराजमान होता है, तो बाल भाव के कारण शिव के मस्तिष्क पर हिम कराता चंद्रमा विराजमान होता है। अगला प्रश्न है दुर्लभ वर्षब पुत्र प्रपात, कमजोर बेल कहाँ पर गिरा, क्षेत्र वानर कस्य पूछम धुनोति, सिंह से, वानर किसकी पूछ को मरोड़ता है, शेर की पूछ को मरोड़ता है। वस्तुच चोरक आसित, वास्तव में चोर कौन था, आरक्षी, आरक्षित था गांव का रखवाला। प्राणी नाम लाभ केन जायते, प्राणियों का लाभ किससे होता है, तो अन्य अन्य सहयोगी, आपस में एक दूसरे का आप सहयोग करोगे तो उसे प्राणियों का लाभ होता है। नराणाम प्रथम शत्रु, मनुष्यों का प्रथम शत्रु कौन है, क्रोध है। कस्मिन सूते मातु अधिका कृपा होती, किस पुत्र पर माँ की अधिक कृपा होती है, दुर्बल सूते कमजोर पुत्र पर माँ की अधिक कृपा होती है। तो इस प्रकार आप ऑप्शन के साथ में ऑप्शन के अंदर आने वाले शब्दों को भी लिखोगे तब जाकर आप लोगों को सही मार्क प्राप्त होंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये 12 तो पूरे ऑप्शन के निकल गए, उसके बाद में ब भाग में आया है। क्वेश्चन है शिक्षक स गीतम गायते, शिक्षक के साथ कौन गीत गाता है, शिक्षक स, तो इसमें ऑप्शन दे रखा है हरि, शिक्षक स गीतम गायती दे रखा है शिक्षक के साथ, तो ये आएगा स के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा, वो क्वेश्चन मिलने पा रहा है, एक सेकंड रुको, एरा छात्र, शिक्षक स गीतम गायते, शिक्षक स के योग में ये
ये प्रश्न आप लोगों के विभक्ति से अर्थात कारक विभक्ति से आए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन था शिक्षक स गीतम गायते, शिक्षक स के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ आएगा छात्र, वह क्वेश्चन में दे रखा था, तो यहाँ आ जाएगा छात्र, यहाँ छात्र स के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। पिता क्रुद्यते, क्रुद धातु के योग में चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग आता है, तो पिता पुत्र के ऊपर क्रोध करता है, तो पुत्र में चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ये भी कारक से संबंधित ही है, भक्ति रोचते हरि, रोच धातु के योग में चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग होता है तो हरि आ जाएगा, रोच धातु के योग में चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग होता है तो हरि आ जाएगा। अगला है अभित छात्रा संति, अभित शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है तो यहाँ आ जाएगा गुरुम। अगला प्रश्न है प्रत्यय से संबंधित है, पट प्लस अनियर, पटनीय बन जाएगा, पट प्लस अनियर में प्रत्यय जोड़ेंगे तो अनियर रूप बनेगा। और अगला है बल प्लस मतुप, बल प्लस मतुप में मतुप प्रत्यय जुड़ेगा तो रूप बनेगा बलवान। उसके बाद जो अगला प्रश्न आ रहा है आप लोगों के, ये अपठित गद्यांश से संबंधित आ रहा है। इस अपठित गद्यांश में पहले 10 नंबर का आता था और इस बार 8 नंबर का आएगा। इस अपठित गद्यांश में सबसे पहले वो शीर्षक पूछता है, तो शीर्षक आपको बताना पड़ेगा, स्त्री शिक्षा, या स्त्री शिक्षा के ऊपर शीर्षक था पूरा, स्त्री शिक्षा ही। सबसे पहले तो वो पूछेगा आपसे कि एक पद में उत्तर दीजिए, तो आपको एक पद में उत्तर देना है, स्त्रियो ही मात्र शक्ते प्रकृति भूता भवती, स्त्री नाम करते शिक्षाया परमावश्यकता वर्तते, देवता नारे रमनते स्त्री नाम सुशिक्षिता स्त्री शक्ति और सदाचार। इस प्रकार आप अपठित गद्यांश के प्रश्नों का उत्तर भी आसानी से दे सकते हो, लेकिन उत्तर लिखने की शैली सही होनी चाहिए, जब भी आपको 80 में से 80 अंक प्राप्त होंगे। उसके बाद अगला प्रश्न दिया था उन्होंने, अगले प्रश्न के लिए अपठित गद्यांश 10 नंबर का था, उसके बाद अगला प्रश्न दिया था उन्होंने, क्वेश्चन आंसर दिए थे कस्य मासम स्त्री भवति, अगला प्रश्न संधि से संबंधित है, देखो मना प्लस क्वेश्चन आया था, अधोलिखित पदियों संधि विच्छेदम करतवा संधि नाम अपि लिखत, नीचे लिखे पदों का संधि विच्छेद करके संधि का नाम भी लिखना है, तो संधि दी थी उसने मनोहर, मनोहर का जब संधि विच्छेद किया गया तो मनह प्लस हर विसर्ग का विशेष ध्यान रखना है, और साथ में आपको अगर यहाँ विसर्ग उत्व संधि अर्थात उत्व विसर्ग संधि का उदाहरण है। वागिस अगला दिया था, वागिस, वागिस का संधि विच्छेद होगा वाक प्लस ईस, जसत्व संधि का उदाहरण है। अगला दिया था नमस्ते, नम प्लस ते, नम प्लस ते, इसका बनेगा नमस्ते, इसमें सत्व विसर्ग संधि है। अगला दिया था अनुस्वार संधि का उदाहरण, उसने दिया था वहां पर हरिम प्लस वंदे, हरिम प्लस वंदे, तो इसका संधि होगा हरिम, म का अनुस्वार बन जाता है अगर बाद में कोई व्यंजन आ रहा है तो हरिम वंदे अनुस्वार संधि। फिर अगला प्रश्न आया है समास से संबंधित है, वहां पर क्वेश्चन आया था कि प्रतिदिनम का समास विग्रह करना है, तो दिनम दिनम प्रति, दिनम दिनम प्रति, और समास का नाम आ जाएगा अव्ययीभाव समास। उसके बाद दिया था दस आनन, दस आनन यस, दस है आनन जिसके वह, उसको रावण कहा जाता है, और इसमें समास का नाम आएगा बहुव्रीहि समास। महापुरुष, इसमें कर्मधारय समास है, महान च असो पुरुष महापुरुष रूप बनेगा। और द्वंद्व समास का उदाहरण दिया था माता पितरो, माता च पिता च, तो उसका रूप बनेगा माता पितरो। आगे चलते हैं, फिर अगला प्रश्न आया है हमारे उपसर्ग से संबंधित, वहां आया था निर्बल, इसमें उपसर्ग और शब्द को अलग करना था, तो निर उपसर्ग है और बल शब्द निकल जाएगा। और एक दिया था आगम, आगमनम, आगमनम में आ उपसर्ग है और गमनम अलग शब्द हो जाएगा। वैसे अगर आप वहां लिखना चाहो तो गम धातु भी लिख सकते हो, गम धातु आ प्लस गम धातु। उसके बाद नवे प्रश्न की बात करते हैं, तो नवे प्रश्न आया था अपने अव्यय शब्द, खाली स्थान देगा, खाली स्थान में अव्यय शब्द की पूर्ति करवाएगा। दो नंबर का प्रश्न है, क्वेश्चन था अहम ग्रामम गच्छामि, तीन अव्यय दे रखे थे इति अपि बहि, तो उत्तर में आएगा अहम अपि ग्रामम गच्छामि, अहम अपि, हालांकि इसको आप पूरा लिखना चाहते हो तो पूरा लिख सकते हो, वहां पर अहम अपि
अहम अपि ग्रामम गच्छामि, मैं भी गाँव जाऊंगा। दूसरा था स गायक गीतम गायति, तो कोष्टक में तीन अव्यय शब्द दे रखे थे, माँ ऊंचे पूरा, स गायक ऊंचे गीतम गायति, वह गायक जोर से गीत गाता है। तो हालांकि यहाँ पर इसने ऊंचे कर रखा है, छाव पूरा वाक्य लिख सकते हो, स गायक ऊंचे गीतम गायति, स गायक ऊंचे गीतम गायति। इस प्रकार यहाँ पर तो इसने एक एक शब्द लिखे हैं। आप अच्छे को बहुत अच्छा बनाना चाहते हो तो पूरे के पूरे ऑप्शन लिख करके अंत में नीचे जाओ, अव्यय आपने बनाया उसके नीचे आराम से अंडरलाइन कर सकते हो, तो कॉपी चेक करने वाले को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं रहती, आराम से वो आपके नंबर दे देता है। दसवां प्रश्न आया था संख्या, अंक गणित में संख्या दे रखे हैं, इसको आपको संस्कृत में परिवर्तित करना था। जैसे यहाँ दे रखा है 150, तो पंचाशत अधिक शतम, पंचाशत अधिक शतम, और अगला दे रखा है 1025, तो पंचविंशति अधिक एक सहस्त्रम, 1000 में 25 अधिक है, तो पंचविंशति अधिक एक सहस्त्रम। उसके बाद जो 11वां प्रश्न था, 11वें प्रश्न में प्रश्न निर्माण संबंधी दे रखा था। देखा जाए तो अगर वो चाहता तो यहाँ पर आपके आराम से नंबर काट सकता था, क्योंकि उस जिस बच्चे की ये कॉपी है उस बच्चे ने पूरा का पूरा कार्य नहीं कर रखा था। प्रश्न निर्माण के लिए आप लोग को पूरा का पूरा प्रश्न उतार के आना पड़ेगा। क्वेश्चन था उद्मेन सम बंधु न अस्ति, उद्मेन सम बंधु न अस्ति, अंडरलाइन यहाँ कर रखी थी, और किसने पूछा गया था रेखांकित पद में से प्रश्न निर्माण कीजिए, तो उद्मेन की जगह आपको केन लिखना था, और पूरा प्रश्न ऐसा कैसा है उतार करके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना था। सही तरीका तो ये है, आपको पूरे से पूरे नंबर लेने हैं, लेकिन वो कृपा दृष्टि दिखा दी, नहीं तो इन प्रश्नों पर पूरे के पूरे नंबर नहीं मिलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न था समीपे एका नदी वहती, अब यहाँ जो एका दे रखा है तो एका की जगह प्रश्न निर्माण में आ जाएगा समीपे का वहती, समीपे का वहती, और लिखने के बाद अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आपको लगाना है। इसलिए इसी तरीके का प्रयोग मत करना, पूरा का पूरा प्रश्न बना करके और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके आना है। 12वें प्रश्न की बात करते हैं अधोलिखित पदियों से अन्वय कृत, इस बार जो आपके अन्वय आएगा वह खाली स्थान में आएगा, आराम से चार शब्द देगा, चारों शब्दों की आप आराम से पूर्ति कर सकते हो। यहाँ तो अन्वय कर रखा है, क्वेश्चन था सवितव्यो महावृक्ष फल छाया समन्वित यदि देवत फलम न अस्ति छाया के निहार्यते, तो यहाँ पर अन्वय कर रखा है फल छाया समन्वित महावृक्ष सवितव्यो, फल छाया से समन्वित महावृक्ष की सेवा करनी चाहिए यदि देवत फलम न अस्ति, यदि किस्मत से फल प्राप्त न हुआ छाया के निवार्यते, छाया को कौन रोक रहा है, अर्थात आपको छाया तो प्राप्त होगी। इस बार जो अन्वय आएगा वो फोर ऑप्शन में अर्थात चार खाली स्थान आएंगे, उनको पूरा उतार करके नीचे अंडरलाइन कर करके आपको आना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जो अगला प्रश्न था वाक्यों को शुद्ध करके लिखना था, हालांकि ये इस बार नहीं आ रहा है, लेकिन एक क्वेश्चन आएगा जो कारक से संबंधित आएगा। क्वेश्चन था 13वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन था वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। क्वेश्चन में बता रखा है स नेत्रात कारण अस्ति, मतलब ये एक तरह से कहे तो कारक विभक्ति के आधार पर वाक्यों को शुद्ध करना है। स नेत्रात कारण अस्ति, हमने कारक में पढ़ रखा है कि अगर शरीर के किसी अंग में कोई विकार हो तो वहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर वाक्य बनेगा स नेत्रेण कारण अस्ति, हालांकि उसने जो शब्द था उसी को लिया है, तो स नेत्रेण कारण अस्ति। अगला था राजा भिक्षुकम वस्त्राणी यचति, राजा भिखारी को वस्त्र देता है, दान देने के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है, यह इसने द्वितीय कर रखी थी और द्वितीय की वजह से अपन को यहाँ चतुर्थी लेनी है, तो आएगा नरपह भिक्षुकाय वस्त्राणी ददति। तो कारक से संबंधित दो प्रश्न आएंगे दो दो नंबर के। उसके बाद बात करते हैं हम आगे, आपको आपके पाठ्य पुस्तक में से दो श्लोक लिखने हैं जो इस प्रश्न पत्र पर न हो, तो वो प्रश्न पत्र अलग था या अपना आने वाला प्रश्न पत्र अलग होगा, तो आपको पेपर को अच्छी प्रकार से पढ़ना है, उसमें पता चल जाएगा कि कौन सा श्लोक पेपर में दे रखा है और कौन सा अपन को पेपर में लिखना है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, इसमें दे रखा है बुद्धि बलवती सदा, इस पाठ का सारांश हिंदी भाषा में लिखना है। आप लोगों को बता दूं अपने पाठ्य पुस्तक में 10 पाठ है, 10 पाठ में से जो 3 पाठ मुख्य है उनमें से सारांश पूछने की पूर्ण संभावना है। पहला तो बुद्धि बलवती सदा वाला पाठ का सारांश याद रखना, उसके बाद एक पाठ दे रखा है अपने विचित्र साक्षी, उस पाठ का सारांश आपको ध्यान रखना है, और साथ में एक पाठ और है जननी तुल्य वत्सला, 5वें नंबर का पाठ है पुरानी किताब के हिसाब से। तो इन तीनों पाठों के सारांश आप याद कर लेना, तीनों में से एक आपका 100% वहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद जो 16वें नंबर का प्रश्न है उसको देखते हैं, 16वें नंबर के प्रश्न में बता रखा है उन्होंने ये सारांश है,
सारांश लिखने का तरीका भी देखो, सारांश को छोटे रूप में लिखना है ना कि पूरा विस्तारीकरण करना है हमको। सारांश का मतलब होता है सार रूप होता है। 16 नंबर का प्रश्न है, तो पहले क्या है, 2022-23 में श्लोक से, नाट्यांश से और गद्यांश से वह हिंदी अनुवाद पूछता था। क्वेश्चन था अधोलिखित से पद्यांश से हिंदी भाषा या भावार्थ लिखत या हिंदी अनुवाद लिखत। तो क्वेश्चन था अमंत्रम अक्षरम न अस्ति न अस्ति मूलम औषधम अयोग्य पुरुषम न अस्ति यौगिकम तत्र दुर्लभ। व्यायाम कुर्वतो नित्यम विरुद्धम अपि भोजनम विदगदम विदम व निर्दोष परिपच्यते। तो इन श्लोकों की हिंदी लिखनी थी, इस बार हिंदी नहीं आकर के इन श्लोकों में से ही वह चार प्रकार से प्रश्न पूछेगा। दो प्रश्न आएंगे आपको एक पद में उत्तर देने हैं, दो प्रश्नों के उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में देने हैं और बाकी नीचे के जो दो प्रश्न आएंगे उनका उत्तर आपको भाष्य कार्य के आधार पर था विशेषण विशेष सर्वनाम शब्द आदि के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आगे चलते हैं, इस बार ये पर्यटन तो अपने नहीं है तो इसको तो देखने से कोई मतलब वाली बात नहीं है, पर इन्हीं में से वो क्वेश्चन आंसर पूछेगा, इनके उत्तर हमको देने हैं। उसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं, कर्म रहिता नाम षड वाक्या नाम कर्म पूर्वक संयोजनम कथा कर्म संयोजन। वह छह वाक्य देगा, छह वाक्य उल्टे सुलटे क्रम में लिखे रहेंगे, वहाँ किसी की कहानी किसी की जीवनी कुछ भी आ सकती हैं, तो आपको उस जीवनी को सही क्रम में जमाना है। तो यहाँ पर एक बहुत सीधी सी कहानी आई थी तो बच्चे ने सही तरीके से जमाई और पूरे जमा करके लिखना है। एक कस्मिन वने एक सिंह वसति इसम। पेपर में दे रखा है मूसक परिश्रम जालम अकर्तम एकदा स जाले बद सिंह जालात मुक्त भूतवा मूसक परिश्रम गतवान। कहानी पढ़ने से अपन को पता चल जाएगा कि किसके बारे में लिखी हुई कहानी है, तो आराम से इसको सही तरीके से जमाना है। एक कस्मिन वने एक सिंह वसति इसम एकदा स जाले बद स संपूर्ण प्रयासम अकरोत। इस प्रकार नंबर डालते हुए लिखते जाना है और अंत में जहाँ समापन हो रहा है अंत में दे रखा है सिंह जालात मुक्त भूतवा मूसक परिश्रम गतवान। शेयर जाल से मुक्त होकर के प्रसन्न होकर के चला जाता है। तो सही प्रकार से वाक्य जमाने हैं, वहाँ नंबर डाल के नहीं आने, पूरे के पूरे वाक्यों को दो बार वैसा का वैसा लिख करके सही तरीके से जमा करके लिख के आना है। उसके बाद बात करते हैं 21वां प्रश्न है, 21वें प्रश्न में दे रखा है उसने, बहुत राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय चंदनपुर से दसम कक्षा या छात्रा रेवती अस्ति भवती रुग्णा अत स्व प्रधानाचार्य द्विविंद से रुग्णात अवकाशम प्रार्थना पत्र लिखो। तो एक प्रार्थना पत्र आया है, आप बीमार हो और आपको बीमारी का प्रार्थना पत्र लिखना है, उसके साथ अथवा में भी दिया है, तो अथवा में वो एक मंजूषा वाला देगा जिसमें 6 या 8 शब्द देगा और 8 शब्दों को आपको मंजूषा की सहायता से पूरा करना है। इस बच्चे ने जो बीमारी का प्रार्थना पत्र था उसे बिना मंजूषा वाले को किया है। सेवायाम श्री मंत्र प्रधानाचार्य महोदया राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय चंदनपुर से विषय दीन द्वय से अवकाशाय प्रार्थना पत्र। अगर आप ऐसा लिख रहे हो तो आपको विषय लिख के आना पड़ेगा और विषय में लिख के आने के बाद में आपको सही तरीके से लिखना है। उसके बाद आगे है महोदया सविनय नम्र निवेदनम अस्ति अहम अद्य रगुणो अस्मि, मैं आज बीमार हूँ अत अस्वस्थता अस्ति इसलिए अस्वस्थ हूँ, अत अहम विद्यालयम आगंतुम न शक्नोमि इसलिए मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। आपको जो प्रार्थना पत्र लिखना है, हालांकि इस बच्चे ने जो प्रार्थना पत्र लिखा है उसके लिए 2 पेजों का प्रयोग किया है, प्रार्थना पत्र को आपको अलग से 1 पेज में पूरा का पूरा ही लिखना है। अत माम दिन द्वय से अवकाशाए दिनांक 22/4/2022 23/4/2022 अर्थात यहाँ पर 2 दिन हो गए। बहुत सारे बच्चे सोते हैं कि 2 दिन के प्रार्थना पत्र अवकाश लिखा है तो वो 2 दिन आगे एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं, 22 तारीख उसमें शामिल हो जाएगी और 23 तारीख अर्थात 2 दिन हो चुके हैं 22 और 23 पर्यतम स्वीकृत अनुग्रहितम बहुदे आज्ञाकारी छात्र। और जो नाम पेपर में दिया गया है आपको वही बनना पड़ेगा, वहाँ रेवती दिया है तो आपको रेवती बन के आना पड़ेगा, लड़का दिया तो लड़का और लड़की दिया तो लड़का, सभी को वही बनना है। कक्षा या 10वीं। उसके बाद बात करते हैं 22वें प्रश्न की, तो 22वें प्रश्न में दिया है वार्तालाप, वार्तालाप वाला प्रश्न दिया गया है उसमें मंजूषा वार्तालाप में और 8 शब्द मंजूषा में देगा अर्थात 8 शब्द खाली स्थान में देगा और उन 8 शब्दों को आपको खाली स्थान में पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर दिया गया है क व्योमकेश तोम किम करोसी, 8 खाली स्थान थे जिनमें से यहाँ पर दिया गया है व्योमकेश तोम किम करोसी, जिस खाली स्थान को आवर होगी वहाँ नीचे अंडरलाइन करके आनी है, व्योमकेश तोम किम करोसी अहम मम विद्यालय से गृह कार्यम करोमी। आराम से पता चल जाएगा कि नीचे वाला क्या प्रश्न पूछ रहा है, ऊपर वाला उसका क्या जवाब दे रहा है।
या ऊपर वाला कौन सा प्रश्न पूछ रहा है, नीचे वाला उसका क्या जवाब दे रहा है, आराम से भर सकते हो बिना रुकावट की। पुत्र ग्रह कार्य अनंतरम, पुत्र ग्रह कार्य के बाद आपणम गतवा तत् दुग्धम साग फलानी च आनिए, पुत्र ग्रह कार्य करने के बाद बाजार जाना और वहां जाकर के दूध और साग सब्जी लेकर के आना। फिर ओमकेश कहता है आराम से एक एक लाइन छोड़ते हुए लिखना है, कॉपी चेक करने वाले को बिल्कुल भी दिक्कत न रहे। इस प्रकार आपको आगे बढ़ते हुए जाना है। अहम सायंकाले पुस्तकम क्रेतुम आपणम गमिष्यामि तदा दुग्धम साग फलानी च आनिष्यामि, मैं सायंकाल के समय पुस्तक लेने बाहर कर जाऊंगा तो वहां से दूध और साग सब्जी लेकर के आ जाऊंगा। सायंकाले न, माता कहते कि पुत्र सायंकाले न तो हम तो पूर्वमेव गत्वा आने, तुम तो पहले जाकर के आओ। उसके बाद ओमकेश कहता है शीघ्रम किम अर्थम, किस बात की शीघ्रता है, जल्दी किस बात की कर रहे हो, तो माता कहते अद तो मातुल, आज तुम्हारे मामा आगमिष्यति आने वाले हैं, अतः भोजन समयात पूर्वम पक्ष्यामि, से समय से पूर्व भोजन पकाना चाहती हूँ। ओमकेश मातुल आगमिष्यति च यत अहम इदानी एव गत्वा, अच्छा मामा आ रहे हैं तो मैं अभी जाकर के लाता हूँ, तो मेरी बात को ध्यान में रखना। आराम से जिस खाली स्थान को आप भरो उसके नीचे आपको विशेष तौर से अंडरलाइन करके आनी है, या दूसरे पेन का प्रयोग आप आराम से कर सकते हो तो कॉपी चेक करने वाले को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं रहेगी। अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न आया है आपके लास्ट वाला प्रश्न 23वां, अधोलिखित एसु वाक्यसु केश्चन चतुर, छह वाक्य देगा, छह वाक्यों में से आपको चार वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। अब इस कॉपी को देखते हैं, इसमें हल्की सी एक दो जगह मेरे को त्रुटि नजर आई है तो मैं आपको बता दूंगा कहाँ पर त्रुटि नजर आए हैं। तो देखो चार वाक्य हैं, पहला क्वेश्चन था बालक वेद मंत्र पढ़ता है तो इस बच्चे ने वो प्रश्न नहीं किया, दूसरा है छात्र कलम से लिखती, छात्रा कलम से लिखती हैं, छात्रा कलम से लिखती हैं, यहाँ पर भी वो प्रश्न नहीं किया गया है। उसके बाद तीसरा प्रश्न था मोहन राम के साथ जाता है, मोहन राम के साथ, सात अर्थ के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है तो मोहन, अब यहाँ पर वो विसर्ग लगाना भूल गया तो मोहन किसी का नाम दिया जा रहा है तो आपको विसर्ग का प्रयोग करना है, मोहन रामेण स गच्छति, मोहन राम के साथ जाता है। अगला था विद्यालय के चारों ओर खेत हैं, विद्यालय के चारों ओर, तो अगर आप चारों ओर में परित का प्रयोग कर रहे हो तो परित में फिर आपको उस विद्यालय में आपको द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो वाक्य बनेगा विद्यालयम परित क्षेत्राणी संति, देखो अगर चारों ओर की बात आती है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यहाँ पर उसने क्षेत्र लिख रखा है तो एक तरह से देखा जाए तो छोटी सी त्रुटि है, या क्षेत्राणी आना चाहिए था। अगला प्रश्न था रमेश शेर से डरता है, डरने के योग में पंचमी विभक्ति आती है तो रमेश के पीछे पहले तो विसर्ग आएगा, रमेश सिंहात विभेति, रमेश सिंहात विभेति। अगला था कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, जहाँ बहुत सारे व्यक्तियों में से एक को श्रेष्ठ चुना जाता है तो वहाँ पर षष्ठी बहुवचन या सप्तमी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर उसने सही किया है कविसु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। इस प्रकार आपको छह में से चार का संस्कृत में अनुवाद करना है, तो जितना साफ सुथरा आप लिखोगे उतना सही कार्य आपका होता जाएगा। छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर करने की कोशिश करना और पेपर को पहले सबसे पहले ध्यानपूर्वक पढ़ने की कोशिश करना, बहुत साधारण सा पेपर था, इसी आधार पर आप पूर्व से पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हो। आशा करता हूँ आगामी पेपर में आप इससे भी अच्छा करके आने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर 80 में से 80 मार्क प्राप्त करेंगे। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आगामी कक्षा के लिए तैयार रहना, कुछ थोड़े दिनों बाद में एक और कक्षा लेके आने वाले हैं, इसलिए बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।